जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर 10 लाइन आसान शब्दों में। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आइए शुरू करते हैं। पहली लाइन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति एवं महान स्वतंत्रता सेनानी थे। दूसरी लाइन है, उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के एक छोटे से गांव जीरादेई में हुआ था। तीसरी लाइन है, उनके पिता का नाम महादेव सहाय और माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। चौथी लाइन है, इनके पिता संस्कृत व फारसी भाषा के बहुत बड़े ज्ञानी थे और माता धार्मिक महिला थी। पांचवी लाइन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा उन्हीं के गांव जीरादेई में हुई। छठी लाइन है, उनका विवाह बाल्यकाल में लगभग 13 वर्ष की उम्र में राजवंशी देवी से हो गया था। सातवीं लाइन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आठवीं लाइन है, सन 1962 में अपने राजनैतिक और सामाजिक योगदान के लिए उन्हें भारत के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। नौवीं लाइन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निधन 8 फरवरी 1963 को पटना के सदाकत आश्रम में हुआ। दसवीं और आखिरी लाइन है, भारतीय राजनीतिक इतिहास में आज भी उनकी छवि एक महान और विनम्र राष्ट्रपति के रूप में याद किए जाते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।